देखिए, शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में नोडल टीचर जो भी नियुक्त होंगे विद्यालय के, समर्थ ऐप के नोडल टीचर को अपने मोबाइल नंबर से जो समर्थ ऐप पर पंजीकृत है उस मोबाइल नंबर पासवर्ड को डाल के CWSN अर्थात विकलांग बच्चों को, जो भी किसी प्रकार के विकलांग बच्चों को जो भी समर्थ पे पंजीकृत हैं, उन बच्चों का प्रेरणा ऐप की यूनिक आईडी डालकर वेरीफाई करना। इसके लिए क्या करेंगे मित्रों, अपने मोबाइल फ़ोन में हम समर्थ ऐप को ओपन कर लेते हैं। देखिए समर्थ ऐप ये रहा हमारा, अगर आपके पास समर्थ ऐप ना हो तो प्ले स्टोर समर्थ ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये इसको क्लिक किया हमने, अब यहाँ मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देना। देखिए लॉगिन हो गया, अब ऊपर जो है अध्यापक का नाम दिखेगा, नीचे नोडल टीचर लिखा रहेगा जिस अध्यापक से समर्थ ऐप बना हुआ है या जिस अध्यापक को अलाट किया गया है। अब आपको क्या करना, देखिए समर्थ ऐप पे जो भी पंजीकृत बच्चे हैं CWSN वाले वही दिखते हैं। अब आपको यहाँ करना, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कीजिए। अब जिस बच्चे के लिए यह प्रक्रिया करनी है, देखिए उसके लिए उस बच्चे क्लिक कीजिए, जैसे नंबर 3 पे जो बच्चा है इसको हम क्लिक किए, क्लिक किए तो इससे संबंधित जानकारी यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगी। अब आपको क्या करना है, देखिए कुछ रेड जैसे कलर में लिखा है क्लिक हीयर टू वेरीफाई, क्लिक हीयर टू वेरीफाई, इसी क्लिक करिए आप। ये जैसे क्लिक करते हैं थोड़ी देर सर्च होता है। अब आपको क्या करना है, इंटर यूनिक आईडी प्रोवाइडेड बाय प्रेरणा, प्रेरणा पोर्टल से बच्चे की जो 9 अंकों की यूनिक आईडी यहाँ भर देना मित्रों। यूनिक आईडी भर के आपको क्या करना मित्रों, नीचे लिखा क्लिक हियर टू वेरीफाई, इसी पे क्लिक करना है। हमने आईडी डाल दी मित्रों, अब क्लिक हियर टू वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करते हैं नीचे देखिए प्रेरणा के अनुसार यहाँ बच्चे की डिटेल दिखाई पड़ती है, ऊपर की तरफ समर्थ के अनुसार बच्चे की डिटेल है, नीचे की तरफ प्रेरणा के अनुसार है। यहाँ बच्चे का नाम लिखा मिलेगा, बच्चे के पिता का नाम, माता का नाम, उसका SR नंबर, किस कक्षा में पढ़ रहा है और UDIS कोड दिखाई पड़ेगा विद्यालय का, जो भी UDIS कोड है। तो अब आपको क्या करना मित्रों, आप नीचे की तरफ चले जाइए, देखिए नोट लिखा है समर्थ एवं प्रेरणा ऐप में बच्चों की डिटेल का मिलान सफलतापूर्वक या ध्यानपूर्वक करें, दोनों को ध्यानपूर्वक मिलान कर लीजिए, कोई अगर अंतर नहीं है तो कन्फर्म पर क्लिक कर देना। इतने कार्य है हमारे बच्चे की, सब कुछ ठीक है तो हम कन्फर्म पर क्लिक करते हैं मित्रों। देखिए जैसे क्लिक करेंगे तुरंत यहाँ कन्फर्मेशन लेगा, समर्थ एवं प्रेरणा ऐप में बच्चे की डिटेल का मिलान सही है, यहाँ यस पे आप क्लिक कीजिए। देखिए सक्सेस आ जाएगा, चाइल्ड हैज बीन मैप्ड विद प्रेरणा पोर्टल, साथ ही साथ नीचे डाटा सिंक्रोनाइज, ओके कर दीजिए मित्रों। तो ठीक है, इस प्रकार मित्रों बच्चे की प्रेरणा पोर्टल से वेरीफाई कर देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।